हाय गाइस, वेलकम बैक। बच्चे जा रहे हैं वेट विजिट पे, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ अपडेट किया जाए। तो यहाँ पे स्कैबीज का ट्रीटमेंट और कुछ टेस्ट हो रहे थे। अच्छा डॉक्टर है मुंबई में जो रहे, तो सब बच्चों का स्कैबीज का पहले टेस्ट किया गया, देन उनको उसकी मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट दिया गया। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक अच्छे वेट के पास गए हैं बच्चे, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छे रैबिट से भी एग्जॉटिक विक डॉक्टर रीना के क्लिनिक पे गए हैं वॉलंटियर्स। और बच्चों का सबका बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब बड़े टेक केयर करके, एक मेन होता है रैबिट की हैंडलिंग कैसे करते हैं वेट्स। Couple of things, the flooring is also very important. I have mat. Yeah, mat. Because they don't have foot pads, so they are very prone to pododermatitis. So that's also one more thing. और ये जो बच्चा आप देख रहे हो, हमने नाम रख दिया सबका। हाँ, आपने अगर स्टेटस देखा होगा तो हमने सब बच्चों के नाम रख दिए हैं। इसका नाम है बेला। बेला वेनसडे को अपने घर जाने वाली है। यस, गुड न्यूज है कि बेला का एडॉप्शन हो गया है। नजीफा ने बेला को अडॉप्ट किया है। उनके पास ऑलरेडी एक मेल है, इसको वो टेक केयर कर लेंगी, सब कुछ करेंगी, स्पेट भी करवाएंगी। मतलब वाओ, आई एम सो हैप्पी कि इतनी जल्दी कोई आगे आएगा, मैंने बिलीव नहीं किया था। तो बेला अपने घर जाएगी, उसके बाद का वीडियो भी हम लोग शेयर करेंगे। बेला का एक कान कटा हुआ है, ये पता नहीं कैसे प्रीवियस हिस्ट्री, बट वो हील हो चुका है। बेला को माइट सबसे कम है, स्किन में प्रॉब्लम कम है, और बहुत ही प्यारा बच्चा है। देखो जरा शक्ल, चूहे जैसी कितनी क्यूट है। तो बेला अपने घर चली जाएगी। बाकी सब बच्चों का ट्रीटमेंट हो गया, इंजेक्शन हो गए। अभी ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार वेट विजिट करना होता है, वेट विजिट बार बार जाना पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चा है स्नोबेल जिसकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, उसके गले में कुछ पस वस एब्सेस वगैरह ये सब भी हैं। तो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और थैंक यू सो मच अनुजा, आपने प्ले पैन गिफ्ट किया है। और थैंक यू सो मच आप सबको भी जो आगे आए हैं डोनेशन के लिए। अभी भी अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नीचे के नंबर पे हम लोग वो फंड इन्हीं बच्चों के लिए या आगे के रेस्क्यू में यूज करेंगे। तो मैं सच में दिल से ना बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतने लोग आगे आए प्ले पैन के लिए, कह रही हूँ डोनेशन तो छोड़ो, मतलब प्ले पैन के लिए कम से कम 5 लोगों ने मुझे बोला कि हम प्ले पैन के लिए रेडी हैं। मतलब इतना अच्छा लगा कि वाकई में ही अच्छे लोग, अच्छे दिल के इंसान इतने हैं कि वो ये करना चाह रहे हैं, और वो इतना विश्वास रखते हैं ना माइडन पे। मतलब हम लोग एक फैमिली है, हम लोग जरूर मिलके कुछ करेंगे। मेरे मन में इतना आता है ना ये सब करने के बाद कि एक शेल्टर खोल लूं, बट मुझे फॉर्मेलिटीज और ये सब चीजें अभी पूरा इनकी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या होता क्या नहीं होता। तो मेरे को अभी इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है, बट हाँ मैं जरूर इन चीजों का ध्यान रखूंगी। और आप लोगों को ना आगे आना पड़ेगा, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये चीज ध्यान रखना। बच्चे बहुत अच्छे से गए थे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सबको मेडिसिन लगी हैं जो डोजेस लगती हैं स्कैबीज और माइट्स की। एक बच्चे का अल्ट्रासाउंड हुआ है, और एक और गुड न्यूज है, बेबी प्रेगनेंट है एज पर डॉक्टर। माइट बी वो 2 बच्चों को डिलीवर करे, तो लेट्स सी, देखते हैं। रेस्क्यू 6 किए थे, 6+2 हो गए। बेला अपने घर चली जाएगी वेनसडे को। और बाकी लोग प्लीज आप आगे आओ, बाकी बच्चों के लिए अडॉप्शन के लिए लोगों को बोलो यार अडॉप्ट हमें करवाना होगा। क्योंकि देखो हमेशा ना जहाँ पे रेस्क्यू होते हैं ना, वॉलंटियर्स होते हैं, उनके घर में ना एक स्पेस हमेशा खाली रहनी चाहिए कि जब कभी भी ऐसा कोई जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट एक स्पेस हो, बंदा विदाउट सोचे समझे बच्चे को उठाकर अपने घर में लाए। अगर उसके पास ही इतनी स्पेस नहीं होगी तो वो भी 2 बार सोचेगा कि मैं कैसे इसको लेकर आऊं। तो प्लीज जिनके पास सिंगल बनी है, या जो बनी पेरेंट्स रह चुके हैं पहले, या कोई भी, बहुत प्यारे मासूम से बच्चे हैं। तो प्लीज आप लोग आगे आओ, और बच्चों का ट्रीटमेंट, आप सबकी ब्लेसेस, आप सबकी डोनेशन, आप सबका जो एक पॉजिटिव और मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना, उसकी वजह से हो रहा है। मैं अकेले कुछ नहीं कर रही हूँ। आप मेरे को थैंक यू ये सब लिखते हो, मगर मैं सही बताऊं आपको खुद को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो कैसे हो पाता। मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती थी। ये बीच में एक छोटी सी क्लिपिंग थी अल्ट्रासाउंड की थी, आई गेस क्लिपिंग मैं आगे लगाऊंगी कोई अल्ट्रासाउंड की।
और हाँ, मैंने खुद डॉक्टर से बात की थी, ये बच्चे अब घर पहुंच गए डॉक्टर के बाद, तो अपना मस्ती वस्ती में शुरू हो गए। मुझे लगा चलो ये भी दिखा दे, ये वो है जो दूसरे ही घर पे फोस्टर हैं, चार बच्चे एक घर पे फोस्टर हैं, उन चार में से बेला है, बेला वेनेसडे को चली जाएगी अपने नन्हे नन्हे से घर, बहुत सारी मस्ती करेगी, पार्टनर भी मिल जाएगा। और बस थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। और एडॉप्शन के लिए आगे आए, स्टिल डोनेशन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दे दूंगी, एडॉप्शन के लिए भी अगर कोई क्वेरी है तो उसमें भी, वो भी आप सेम नंबर पे ही करिए। और थैंक यू सो मच फॉर सेविंग ब्यूटीफुल लाइफ प्यारे प्यारे इनोसेंट बच्चों के लिए, धन्यवाद।